आप देख रहे हैं YouTube चैनल उर्दू सीखो ऐसे। इस वीडियो को देखने के लिए आपके इंतखाब का हम खैर मकदम करते हैं। इस वीडियो में महविश नाम से जुड़े इन सब सवालों का जवाब दिया गया है। महविश किस जुबान का लफ्ज है? महविश के माने क्या है? महविश नाम का मतलब क्या है? महविश में कितने हरूफ हैं और कौन कौन सा हर्फ है? महविश इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? महविश हिंदी में कैसे लिखा जाता है? महविश उर्दू में कैसे लिखा जाएगा? महविश उर्दू में लिखने का तरीका क्या है? इन सब सवालों के जवाब से आपके इल्म और जानकारी में इजाफा होगा। तो इस तरह की दूसरी और नई वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। महविश फारसी ज़बान का लफ्ज़ है और माहविश का मुखफ़फ़ है, जिसमें से अलिफ को हस्फ कर दिया गया है। कुछ लोग मीम को बिलकसर महविश लिखते बोलते हैं, इसी वजह से हिंदी वाले और इंग्लिश वाले महविश लिखते और बोलते हैं। महविश के माने और महविश नाम का मतलब है चांद जैसा या चांद जैसी, चांद की तरह, चांद के मानिंद, मिसल कमर, हसीनो जमील। महविश में चार हरूफ हैं, मीम, हे, वाव, शीन। ये इंग्लिश में महविश लिखा हुआ है, ये हिंदी में महविश लिखा हुआ है। महविश लिखने का आजकल दो तरीके हैं, एक कीबोर्ड के ज़रिए जिसमें उर्दू के तमाम हरूफ लिखे हुए हैं, सिर्फ उन हरूफ को टच करना है जिनकी हमें ज़रूरत है। जैसे हमें महविश लिखना है तो सबसे पहले मीम को टच करेंगे, फिर उसके बाद हे को टच करेंगे, फिर उसके बाद वाव को टच करेंगे, फिर उसके बाद आखिर में शीन को टच करेंगे, तो ऑटोमेटिक स्क्रीन पर इस तरह महविश लिखा हुआ आ जाएगा। महविश लिखने का दूसरा और पुराना तरीका है कलम या पेंसिल से लिखने का। इसके लिए हमें उर्दू लेटर्स या उर्दू अक्षरों की जानकारी ज़रूरी है। हमारे वो भाई बहन जो हिंदी इंग्लिश लिखना पढ़ना जानते हैं और उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते हैं, तो इन चार बातों को ख़ास तौर से याद रखें। नंबर एक, उर्दू हरूफ का नाम। नंबर दो, उर्दू हरूफ लिखने का तरीका। नंबर तीन, उर्दू हरूफ फुल लेटर की पहचान। नंबर चार, उर्दू हरूफ शॉर्ट लेटर की पहचान। महविश लिखने के लिए हमें इन लेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इनके नाम देखें और इनको याद रखें। नंबर एक, मीम। नंबर दो, हे। नंबर तीन, वाव। नंबर चार, शीन। ये इन लेटर्स के नाम हुए। अब इनके लिखने का तरीका समझिए। ये जो लाइन देख रहे हैं, उर्दू के कुछ हरूफ इस लाइन के ऊपर लिखे जाते हैं और कुछ हरूफ लाइन पर ही लिखे जाते हैं, और कुछ हरूफ आधे लाइन के ऊपर और आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। जैसे मीम आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, हे आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, वाव आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, शीन आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं, कशिश वाला शीन ये भी आधे लाइन के ऊपर आधे लाइन के नीचे लिखते हैं। तो ये तो फुल लेटर हुए उर्दू के, इनको हरूफ़ तहजी भी कहते हैं। जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे तो इनमें से कुछ लेटर कभी फुल लिखे जाते हैं और कुछ लेटर कभी शॉर्ट लिखे जाते हैं। जैसे मीम इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, हे इस तरह से शॉर्ट लिखेंगे, वाव यहाँ पर फुल लिखेंगे, शीन दंदाने वाले हो या
कशिश वाले शीन दोनों फुल लिखेंगे। तो एक मरतबा इनको हम मिलाकर लिख के देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा हे, और इसी में ये जोड़ दिया वाव, और फिर ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया महविश। कशिश वाले शीन से लिख के देखते हैं क्या ये देखिए क्या लिखा मीम, और ये क्या लिखा हे, और ये क्या लिखा वाव, और ये क्या लिखा शीन। तो ये क्या हो गया महविश। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करना ना भूलें। नीस उर्दू के फ़रोग़ के लिए अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।